कर्नाटक हिजाब विवाद की आंच आज दतिया तक पहुंच गई, जिसको लेकर दतिया के पीजी कॉलेज में आज कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंच गईं। हिजाब पहने छात्राओं के कॉलेज पहुंचने की सूचना पर हिंदू संगठन के नेता भी कॉलेज पहुंच गए और हिजाब पहने छात्राओं को देखकर विरोध स्वरूप जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हिजाब विवाद तूल पकड़ते देख हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद कॉलेज प्रबंधन भी सक्रिय हो गया और प्राचार्य ने तत्काल आदेश जारी कर दिया कि कॉलेज में कोई भी हिजाब पहनकर नहीं आएगा। कॉलेज में अब तक जिस तरह से छात्र छात्राएं आते रहे हैं वैसे ही आएंगे। वहीं कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि हिजाब पहने कौन लड़की थी, वह कॉलेज की थी या बाहर की लड़की थी, इसकी जानकारी नहीं है। उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन के साथ अगले दिन से सभी छात्र भगवा वस्त्र धारण करके आएंगे और जो हमारे नागा साधु की बनने की दीक्षा ले चुके हैं छात्र, वो नागा वेश में इधर आएंगे। उसके बाद समाज या प्रशासन हमें उत्तरदायित्व ना ठहराए। हिजाब पहन के आएंगे तो क्या कदम? नहीं, हमने उनसे मैंने ऐसे विद्यार्थियों के लिए वो स्पष्ट निर्देश दे दिए, जगह 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 हमने लगवा दिए, तस्पा कर दिए कि कोई भी विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में ही प्रवेश करेगा। हिजाब पहन के नहीं? हाँ, कोई भी इस तरह का लिबास पहन के नहीं आएगा जिसमें हिजाब भी शामिल है। ये हमने लिखा है और आप लोगों को भी हमने। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।